तो अंतर्राष्ट्रीय मामले के जानकार एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, रूस यूक्रेन जो ये हम देख पा रहे हैं कि कितनी टेंशन जो है बढ़ गई है, और रूस जिस तरह से अब हमलावर होता नजर आ रहा है यूक्रेन पर, यहाँ पर सैन्य हमले जो है वो किए जा रहे हैं, और इस तरह की भी खबरें आ रही है कि बहुत से लोग भी इसमें मारे गए हैं। किस तरह से आप इस पूरी स्थिति को देखते हैं, और वैश्विक तौर पर क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा? देखिए, ये बहुत दुखदायी घटना है। स्पेशली रूस के आक्रोशित होने के पीछे कुछ कारण है। रूस अपनी कनेक्टिविटी को, पैसेज को, जो उसको रेस्ट ऑफ यूरोप से जोड़ता है, वो उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर नाटो की सेना या अमेरिका वगैरह यूक्रेन को अपने फेवर में कर लेते तो रूस की कनेक्टिविटी, बिजनेस, ट्रांजिट वगैरह बहुत सारी चीजें असर करती। इसलिए रूस ने अपने बचाव के लिए ये सारी चीजें की है। एटलीस्ट उसने पूरे यूक्रेन को न करके केवल उन हिस्सों को अलग किया वहां पे, ताकि उसकी कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या यूरोप से बनी रहे। अब चूंकि युद्ध होना और युद्ध की आशंका में लाखों लोग विस्थापित होते हैं और कुछ न कुछ कैजुअल्टी भी होती है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। चीजों को जो है डिप्लोमेटिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हल किया जाना चाहिए, क्योंकि परेशान निर्दोष लोग होते हैं जो वहाँ के नागरिक हैं, उनकी क्या गलती है। लेकिन एके मिश्रा जी, जिस तरह की आप अभी मौजूदा हालात देख पा रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो रूस पर भी कई देशों ने प्रतिबंध की बात कर दी है, और जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन रूस जिस तरह से यूक्रेन पर हमलावर है, और आप वैश्विक तौर पर देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हो रही है, तो किस तरह से हम इसे देखें, और आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिल सकता है इन दोनों देशों के बीच, और किस तरह से ये जो टेंशन है ये बढ़ सकती है? देखिए, इंडिविजुअली अगर रूस के बारे में बात करें तो रूस के ऊपर पहले भी सैंक्शंस लगे हुए थे। रूस रशिया जो है वो इन सब चीजों को बॉर्डर नहीं करता है, नाटो या अमेरिका के सैंक्शंस लगे होने के कारण। और सैंक्शन से भी ज्यादा जरूरी जो रशिया समझता है वो ट्रांजिट के रास्ते हैं, और या यूक्रेन पे अपना दबदबा बनाए रखना, अपना प्रभाव बनाए रखना। रूस को ऐसा लगता है उसके अस्तित्व के लिए ये बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका और नाटो वहां पे आके बैठ जाए और यूक्रेन उसके उनके फेवर में चला जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई लड़ाई या टर्मोइल होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ता है। रूस अपने आप में बहुत सारी चीजों का बहुत बड़ा इम्पोर्टर है और एक्सपोर्टर भी है, स्पेशली गैस वगैरह। आप देखेंगे गैस काम जो वहाँ की सबसे बड़ी गैस प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और ऑयल का भी एक्सपोर्ट रशिया से बहुत होता है। अभी आपने खबरें सुनी होगी पीछे कि भारत ने गल्फ कंट्री से खरीदने की बजाय जो है रशिया की तरफ से ज्यादा जो है पेट्रोल वगैरह खरीदा। तो इन सब चीजों का असर पड़ता ही है, क्योंकि वो पूरा का पूरा दो कंट्री अगर उलझी हुई है तो जितने भी इंटरनेशनल नेशनल ट्रांजिट होते हैं उन सब चीजों को ब्लॉक किया जाता है या वहाँ स्पीड कम होती है, तो इसका असर सब जगह दिखेगा। पूरी दुनिया के सेंसेक्स मार्केट एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, और दुनिया भर के बिजनेसमैनों के पैसे एक दूसरी देशों में या सेंसेक्स में लगे होते हैं। रशिया के बिजनेसमैन के पैसे देखेंगे लंदन में होंगे, अमेरिका में होंगे, इंडिया में होंगे, तो अगर कहीं पे भी इकोनॉमिक रिसेशन आता है आर्टिफिशियल तरीके से तो उसका असर सबके ऊपर पड़ता है। ये एक बहुत मतलब दुखदायी चीज होगी कि अगर टर्मोइल बढ़ता है तो दुनिया भर में इसके इम्पैक्ट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक हर तरीके से पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो एके मिश्रा जी, क्या समझते हैं भारत पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, किस तरह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो प्रभावित हो सकता है भारत के लिए? देखिए, डायरेक्ट चूंकि वार में इंडिया तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है और न करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जितने भी असर होते हैं, इंडिया के बहुत सारे लोग रशिया और यूक्रेन में रहते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें रशिया से जो है या यूक्रेन से इंडिया आती है और जाती है, तो वो इस पे डायरेक्ट असर पड़ेगा जो ट्रेड होता है। इसके साथ साथ इनडायरेक्ट वे में जो असर पड़ता है, जैसे अगर ग्लोबल ट्रांजिट वगैरह, मैं बोलता हूँ रशिया नाटो के बीच में अगर ये फसाद बढ़ता है तो नाटो या अमेरिका भी उधर इन्वॉल्व होगी। जब आदमी या कोई देश युद्ध में इन्वॉल्व हो जाता है तो व्यापार वगैरह से, ट्रेड वगैरह से या वेलफेयर की जो चीजें होती हैं उधर से ध्यान हट जाता है, तो वो सबके साथ होगा।
तो डेफिनेटली भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। बिल्कुल, लेकिन मिश्रा जी आपने बताया कि अमेरिका भी यदि इस लड़ाई में कूद जाता है, और अमेरिका, नाटो, रशिया और यूक्रेन में जो हम ये टेंशन देखेंगे आने वाले दिनों में, क्या लगता है आपको भारत किस तरह से प्रभावित होगा और देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो वैश्विक तौर पर हम देखेंगे कि अस्थिरता जो है वो देखने को मिलेगी, और क्या लगता है आपको क्या कुछ बीच का रास्ता हो सकता है कि शांति जो है वो दुनिया में बनी रहे? देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज ये होगा कि भारत की रशिया से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, यूक्रेन से भी है। यूक्रेन से तो बहुत सारे जो है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव जो है बिजनेस होते हैं, और उसके साथ साथ अमेरिका और नाटो से भी बहुत अच्छी वो है। अगर ये दोनों ही पक्ष, मतलब उभय पक्ष, अमेरिका प्लस नाटो और रशिया, ये दो पक्ष हुए, अगर इनके बीच टर्मायल होता है तो भारत के लिए एक दुविधा वाली स्थिति जरूर होगी कि किसको रोके, किसका साथ दे। हालांकि भारत हमेशा ही ये बोलेगा कि शांति के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए। रही बात इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भारत और दुनिया पे, देखिए गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रशिया है, उसके साथ साथ ऑयल का सबसे पहला इम्पैक्ट, तो अगर ये टर्मोइल या लड़ाई अगर अभी शुरू हो जाए और कुछ दिन चल जाए तो आप देखेंगे ग्लोबल लेवल पे पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि केवल गल्फ या सऊदी अरेबिया ही पूरे दुनिया की पेट्रोल की खपत की सप्लाई नहीं करता है, पूरी नहीं करता है, रशिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें। तो अगर ये इन चीजों के, पेट्रोलियम वगैरह के, गैस वगैरह के, ये चीजों के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज के दाम बढ़ते चले जाएंगे। इसके साथ साथ और भी जो जितनी चीजें ट्रेड की होती हैं, साइंस से रिलेटेड जो होते हैं, वो उन चीजों पे असर पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि एक नई लॉबी या नया वर्ल्ड ऑर्डर टाइप का कुछ तैयार हो रहा है। ये है कि नाटो और अमेरिकन कंट्रीज की इमेज गिर रही है, बहुत सारे देश अगर देखा जाए डिप्लोमेटिक वे में तो आप ये देखिए रशिया के साथ जा रहे हैं, और यूनेस्को वगैरह का भी जो प्रभाव है, इंटरनेशनल बॉडी है, ये घटना बताती है कि उनका भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रह गया है। जिसके पास पावर है वो जब चाहेगा तब कोई भी चीज कर लेगा। बिल्कुल, बहुत सारे परसेप्शन भी चेंज हो रहे हैं ग्लोबल। बिल्कुल, एक मिशन।